गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। सभी मंदिरों में, देवालयों में, तीर्थ स्थानों में, सभी जगह गुरु और शिष्य का आज जो पर्व है, दोनों का जो शिष्य अपने गुरु के पास आज समर्पित भाव से आता है, आशीर्वाद प्रदान करता है। आप अपने शिष्य को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में क्योंकि भीड़ मैं देख रहा हूँ, बराबर भीड़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोगों ने कोरोना काल में हमने देखा है, डिस्टेंस का पालन किया, भोजन के दौरान भी दूरियाँ रखी, इसमें आपको गुरु और शिष्य की परंपरा के साथ कोरोना काल के बारे में बताएं। हाँ, आदरणीय शर्मा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। आज का जो पर्व है बड़ा महत्वपूर्ण है, और गुरु और शिष्य की परंपरा के अंतर्गत एक ज्ञान और अज्ञान का पर्व। अपना शिष्य जो है अपने को अज्ञानी समझता है और गुरु की शरण में जाकर के तो ज्ञान की पूर्ण पराकाष्ठा चाहता है। गुरु कोशिश करता है कि अपने शिष्य को वो सन्मार्ग, वो सुंदर रास्ता दिखाए जिससे उसका कल्याण हो, उसका हित हो। आपने जो प्रश्न किया है, जो सामायिक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस कोरोना काल में जहाँ अपार भीड़ हो रही है, उस समय एक गुरु का अपने शिष्यों के प्रति क्या संदेश है, तो मैं इसके बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी बुद्धि है, मैं तो अपने शिष्यों से ये कहूँगा कि यद्यपि भीड़ में पूरे कोविड के जितने भी नियम हैं उनको पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें और श्रेष्ठ मार्ग पर जो है चलें। जो ये जो भीड़ की बात जो कही है, तो इसमें एक सुविधा हमको लगती है कि व्यक्तिगत एक एक करके कहाँ तक समझाया जाए, लेकिन जब समूह में व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और कोई बात उनके सामने रखी जाती है, तो वो बात पूरी समुदाय के लिए हितकर होती है, पूरे समाज के लिए हितकर होती है। और ऐसा ही मैं अपने शिष्यों से कहूँगा कि वो सामूहिक रूप से इस कोविड के नियमों का पालन करें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर अपने नियमों का पालन करते हुए राष्ट्र हित, समाज हित, परिवार हित, इन सब चीज़ों में। और कुछ गुरु पूर्णिमा में आप कोई और संदेश देना चाहते हैं? मैं शिष्यों को, देश को और विश्व को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ शर्मा जी, मेरे हृदय में जरूर इच्छा है कि मैं कुछ कहूँ। मैं अपने राष्ट्र के बचाव के लिए, अपने समाज के बचाव के लिए, ये जो भीषण महामारी आई हुई है, इसमें जो शासन ने निहित उपायों को, जैसे डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इन सब का जो है विधिवत पालन करें और पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। मतलब दो दो कर्तव्य है, एक तो गवर्नमेंट के कर्तव्य का पालन करना है और एक अपने जो दैनिक नियम का है पालन, वो भी करना है, जिससे समाज का भी हित होगा, राष्ट्र का भी हित होगा और खुद का भी हित होगा। जब खुद हम ठीक रहेंगे तो हमारा समाज ठीक रहेगा, हमारा राष्ट्र ठीक रहेगा और संपूर्ण परिवार हमारा। धन्यवाद। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल करके सारी जानकारी देंगे। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है, पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।